दिखता नहीं क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? I'm so sorry, शीला. मैंने पूरी कोशिश की गाड़ी को रास्ते पे रखने की. Why you sorry? गलती उसकी है. कैसे चला रहा था पागलों की तरह, जैसे जानबूझकर कर रहा हूँ. Idiot. तुम्हें भी यही लगा ना? हाँ. इन जैसे ड्राइवर्स का रिपोर्ट करवाना ही चाहिए. अगर मैंने गाड़ी को संभाला नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता. हम एक काम करते, घोटा पहुंचते ही वहाँ की पुलिस स्टेशन में हम इसका रिपोर्ट लिखवाते हैं. मैम याद है उसका नंबर क्या था गाड़ी का? शीला, पता नहीं अगर तुमने देखा कि नहीं, लेकिन उसका नंबर प्लेट था ही नहीं. हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, उस गाड़ी पे नंबर प्लेट था ही नहीं. कैसे हो सकता है? था नहीं यार. गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ. चलो कम ऑन, करें कम ऑन. बाबा की गाड़ी नहीं, मैंने तुमसे कहा था हमने मिस कर दिया होगा. लेकिन देखो दरवाजे पे ताला नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है वो अंदर ही होंगे. एक मिनट. शीलू, तुम इतनी रात गई यहाँ कैसे पहुंच गई? अभी तो worried. क्या हुआ है? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या हुआ बाबा? आपने फोन किया था, कहा कि घोटा में कुछ हो रहा है, क्या हुआ है घोटा में बाबा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाबा बिल्कुल ठीक होंगे. हाँ, हेलो सर, मैं रतन. पहचाना वो शीला की बम्बे वाली स्कूल का फ्रेंड? हेलो सर. हेलो हेलो सर. ग्यारह बज गए, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए? वहाँ सब ठीक तो है ना? वहाँ सब ठीक है, वहाँ क्या होगा बाबा? आपने फोन किया था, आपने कहा कि आप बंबई आ रहे हैं. शीला तो बहुत परेशान हो गई थी, फिर हमने आपका फोन भी ट्राई किया लेकिन लाइन लगी ही नहीं. लगता है यहाँ के सारे लाइन्स डेड है. ये तो बहुत चिंतित हो गई थी आपके बारे में, इसलिए हम खुद यहाँ पहुंच गए. बाबा आपने क्यों फोन किया था? फोन? कौन सा फोन? मैंने कोई फोन वोन नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम बंबई वापस आ गई हो. क्या बात कर रहे हैं आप बाबा? आपने फोन किया था, आपकी आवाज थी. मैं आपकी आवाज नहीं पहचानूंगी. आपने फोन किया था बाबा. मैं झूठ क्यों बोलूं? सचमुच मैंने कोई फोन वोन नहीं किया. पिछले चार दिनों से यहाँ सब फोन बंद हैं. हाँ, अच्छा हम लोग यहाँ खड़े खड़े बातचीत करते रहेंगे या फिर अंदर भी जाएंगे? लेकिन बाबा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ. बेटा कि... मुझे क्या होगा गावटा में? वो खिड़की खोल दो ना प्लीज. बेटा इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिलेगी जहाँ मुझे इतना सुकून मिलता है? जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, जरूर. बेटा पता नहीं लोगों को डराकर क्या मिलता है. बेटा मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीती होगी. अगर यहाँ के फोन्स ठीक से काम कर रहे होते ना तो ये नौबत नहीं आती. अरे अंकल रहने दीजिए ना, अगर हम और चार दिन भी सोचेंगे तब भी पता नहीं चलेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल था उन फोन कॉल्स के लिए. आप ठीक है ना? बस अब तुम ज्यादा मत सोचो. हम यहाँ पहुंच गए हैं, सेफ एंड साउंड, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, हमें और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मेरी बच्ची तो बहुत डर गई थी. बच्ची? अरे बहुत देर हो गई, इतने लंबे सफर के बाद तुम लोग थके नहीं क्या? वेल एक्चुअली बहुत. जा जाके सो जा, कल बैठकर बातचीत करेंगे. खूब सारी बातचीत करनी है तुम्हारे साथ.
पूरे 3 महीनों के बाद मिली है मुझे। और बेटा रतन को वो गेस्ट रूम दिखा देना। हाँ, ऑफ कोर्स। हमारे सारे गेस्ट वहीं सोना पसंद करते हैं। और बेटा ये मत कहना कि इतनी शांति थी कि सो ही नहीं पाया। तुम शहर वालों का कोई भरोसा नहीं है। अभी अंकल। वैसे क्या आप दोहटा में किसी को जानते हो जो एक काले रंग की लंबी सी गाड़ी चलाता है? बड़े ताव से बिना नंबर प्लेट के चलाता है बंदा। नहीं बेटा, यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं चलाता है। और ये छोटा सा शहर है, यहाँ ज्यादा गाड़ियां नहीं है। और वैसे भी मैंने कोई काली गाड़ी नहीं देखी। तुम जाके सो जाओ। हाँ ठीक है अंकल। हाँ अच्छा, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। ऐसी कोई काली गाड़ी नहीं है, वो भी बिना नंबर। पता नहीं डॉक्टर, यकायक बैलेंस चला गया और गिर गई। सब टेस्ट तो नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट तो पहले से हो गए थे, राइट? हाँ, और कभी फेंट होने के या फिट्स आने की शिकायत भी नहीं की मालिनी नहीं थी। बस एक ही प्रॉब्लम की रट लगाई थी कि आभास होते हैं, डे ड्रीम्स, हेलुसिनेशंस, यू नो। इनर आई डिसऑर्डर कोई शिकायत थी या एपिलेप्सी की कोई हिस्ट्री? आप तो इनके घर वालों को जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम्स? फैमिली के बारे में बातें तो हमेशा करती रहती है, लेकिन मैंने कभी कुछ सुना नहीं। वैसे पिछले 3 सालों में कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत फिट है मालिनी डॉक्टर, रोज सुबह जॉगिंग जाती है। आप जल्दी से इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अरे एक मिनट, रुको। अम्मा अम्मा दादी को कुछ नहीं बताना। कह देना सबमिशन है, लेट हो जाएगी, बाहर खा लूंगी मैं। ठीक है, मैं अभी फोन कर देता हूँ। देखो यू जस्ट रिलैक्स। हाँ कर, मैं नहीं बताना। नहीं नहीं मिस मालिनी, क्या हुआ था? आर यू ओके नाउ? वो सब फिर से दिखा, सब फिर से दिखाई दे रहा। रिलैक्स। सब बाबा, हम 2 घंटे में आ जाते हैं। बाय। चलो चलो। अरे गाड़ी की चाबी। नहीं नहीं, पैदल चलते हैं। जेटी पैदल जाना है तुम्हें? हाँ। अरे वहाँ पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो गाड़ी ले लेते हैं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और वैसे भी अगर तुम थक जाते हो तो यहाँ रिक्शा नाम की चीज मिलती है। अच्छा। चलो भाई चलो। यहाँ यहाँ वहाँ चलो। रतन ये है ना, ये मिसेस कुमार हैं, दहोटा की बहुत अच्छी आर्टिस्ट, कम से कम 1000 डिजाइन्स बना चुकी है रंगोली के। अच्छा। इन्हें रंगोली बनाने के लिए बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। कितनी बार इनसे कहा है कि पब्लिश करो, लेकिन मानती ही नहीं है। आओ मिलाते हैं। छोड़ो ना शीना, बाद में मिलते। चलो ना। अरे 1 मिनट लगेगा, लगता है अभी कुछ बनाने वाले हैं। नमस्ते भाभी। अरे वाह शीला, तुम कितने दिनों बाद, कहाँ चली गई हो? तुम्हारे पिताजी कितने अकेले हो जाते हैं, अक्सर क्यों नहीं आती हो? आऊंगी। नहीं नहीं भाभी, ये मेरे बचपन के मुंबई वाले स्कूल का दोस्त है। आज आप क्या बना रहे हैं? सॉरी, इसका नाम रतन है। आई एम सो सॉरी भाभी। नमस्ते। क्या बना रही हैं आप? पता नहीं, आज कुछ अलग बनाने की सोच रही थी। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बस यूं। अच्छा, अपने दोस्त को लेके एक बार घर पे खाने के लिए जरूर आना। जरूर चले। अच्छा मर गए। अब जो भी हमें साथ देखेगा यही सोचेगा कि तुम मेरे कुछ खास लगते हो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्या? नहीं, वो कम से कम उसी बहाने खाने का न्योता तो मिलेगा ना। लीजिए। ये सब कब तक चलेगा? पहले तो आप ही मुझे 500 सवाल देते, कहते उनका जवाब दो। मेरे पिताजी का मेरे साथ बर्ताव कैसे था, त्रिकोण देखकर आपको क्या लगता है लाल रंग मेरे लिए क्या मायने रखता है? और अब दिए हैं ये सब, ये धब्बे दिए हैं इंक के, इनमें पूछ रहे हैं ढूंढिए अगर कुछ आकृति नजर आती है क्या? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें, और ये क्या हो कह रहा है, मुझे कुछ बताइए ना आप। देखिए मिस मालिनी, हमने इतने सारे टेस्ट किए हैं आप पर, आपका शरीर बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है, बिल्कुल फिट है।
लेकिन फिर जो आपके साथ हो रहा है उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना, इसीलिए हमने डॉक्टर शोभना को यहाँ बुलाया है। शी इज ए साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट? साइकाइट्रिस्ट? आई एम सॉरी, आई थिंक दे थिंक आई हैव गॉन मैड एंड दैट्स नॉट द केस। साइकाइट्रिस्ट? मोहन, साइकाइट्रिस्ट क्यों? लेकिन मालिनी, मालिनी प्लीज कूल डाउन। अरे डॉक्टर्स, एक्सक्यूज मी वन मिनट। देखिए ये जो आभास आपको हो रहा है, चलते फिरते जिस तरीके के सपने आप देखती हैं, ये सब अक्सर मानसिक संतुलन बिगड़ने के संकेत हैं। लेकिन आपके साथ मेरा मतलब है, आप जो भी जिस तरीके से जवाब देती हैं, जिस तरीके से आप सोच रही हैं, आपके साथ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है आप जो ये सपने देखती हैं उसका संबंध आपके बचपन में घटी किसी घटना से हो। मेरा मतलब आपके ननिहाल में, आपके गांव में, वहाँ के लोग, वहाँ का परिसर। नहीं, मैंने आज तक वो जगह नहीं देखी और ना ही वो लोग देखे हैं। उनका मेरे बचपन से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग मैं देखती हूँ वो कल के नहीं है, वो आज के हैं। उनके ड्रेसेस, उनकी हेयर स्टाइल, रास्ते पे जो गाड़ियाँ घूमती है, ये सब मैंने आज का देखा है। देखिए, मैं मानती हूँ आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें वजह तो मालूम करनी है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप एक पूरे दिन के लिए हमारे क्लिनिक में दाखिल हो जाइए। हम 24 घंटे के लिए आपको अपने मॉनिटर रूम में रखना चाहते हैं, और उस 24 घंटे में अगर आपको यही आभास होता है तो उस वक्त आपके मन पर, आपके ब्रेन पर उसका क्या परिणाम होता है हमारे लिए जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, और हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, अगर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मोहन, एक प्रॉब्लम होगी, अम्मा और दादी को क्या बताएंगे? देखो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। जानते हो रतन, हमारे टाउन हॉल की खासियत क्या है? ये टाउन हॉल की घड़ी है ना, तकरीबन 200 सालों से बिल्कुल सही वक्त दिखाती आई है। कमलाकर अंकल करके हैं, उनकी फैमिली इस घड़ी की देखभाल पीढ़ियों से करती आई है। शायद ये जिम्मेदारी उनके परदादा से उनकी फैमिली पर है। बट डू नो इट्स अमेजिंग, कमलाकर अंकल ठीक से चल भी नहीं सकते, लेकिन हर रोज क्लॉक टावर चढ़कर ऊपर जाते हैं। लगता है शायद आजकल नहीं जाते क्योंकि एक घड़ी गलत समय दिखा रही है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से बंद पड़ी हुई है। प्रॉब्लम तुम में है रवि, जब से तुम यहाँ आए हो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब उन्हें बुलाना पड़ेगा। कमलाकर अंकल, कमलाकर अंकल, छोड़ो ना, होता है, ये मशीनी तो है। पता है जब मैं छोटी थी तब उस घड़ी के पीछे जाके छुप जाती, सिर्फ घड़ी की एक लाइन में होने वाली टिक टिक। I used to always wonder कि बाबा मुझे ढूंढ कैसे निकालते हैं। बलराम अंकल, लगता है वो लंच करने गए। चलो यार, कम ऑन। नमस्ते जयदेव अंकल। शीला बेटी, कब आई तू? अनीता है घर पर? हाँ है ना। अनीता बेटी? अनीता मेरी बचपन की सहेली है। She's my best friend. शीला, अनीता, हाय, कैसे हो तुम? कोई नहीं कोई नहीं, रतन आओ ना। ये है रतन, अनीता। हाय। अच्छा टोनी कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा? टोनी? हाँ टोनी कहाँ है? वही 2 महीने पहले दिल्ली चला गया है। हाँ टोनी तो दिल्ली गया हुआ है, वो जॉब क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है ना इन दिनों। अब तक तो सेटल भी हुआ होगा अच्छी तरह। लेकिन टोनी नौकरी कैसे करेगा? क्यों नहीं करेगा? अनीता, मैं तुम्हारे एल्सेशन कुत्ते के बारे में बात कर रही हूँ। टोनी तुम्हारा कुत्ता जो तुम्हारे पीछे साय की तरह घूमता था, कहाँ है? वो क्या है ना शीला, टोनी अब नहीं रहा। एक दिन हम अपने टोनी को बांधना भूल गए, निकल गया घर से, और एक तेज रफ्तार से आते हुए रिक्शा ने उसको जोरदार जबरदस्त टक्कर मार दी। अब बस
दो मिनट के बाद ही खेल खलास हो गया। और क्या होता है ना शीला, जब याद आती है तो बहुत दुख होता है ना, जैसे किसी घर के आदमी की मौत हुई हो, है ना बाबा? ये तो टोनी की आवाज है ना, टोनी भौंक रहा है ना। अच्छा मैं अंदर जाता हूँ बेटी, तेरे हाथ बहुत मैले हो गए हैं। टोनी की आवाज थी, टोनी भौंक रहा था ना। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे हम लोग, बाय। ओके चलो सी यू, बाय बाय। और मुझे बाहर जाना है, प्लीज बाबा को भी बाहर जाना है। ओके बाय। मैं पहचानती हूँ इस आवाज को। अरे बाबा ये मैं बता रही हूँ टोनी की आवाज नहीं है, टोनी कैसे हो सकता है, टोनी तो अब रहा नहीं ना, तुम भी शीला। ओके चलो बाय बाय बाय। बोलो ने कि आजकल ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत थक जाती हो, बस एक छोटा सा चेकअप करवाना है, बोल दो। डॉक्टर चेकअप? काम का ही बहाना बनाना पड़ेगा। और सुनो मोहन, जो भी कहना है हम यहीं पे तय करते हैं, वरना तुम कुछ और कहोगे और मैं कुछ और, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अंदर। अरे इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, और फिर मैं हूं ना। देखो एक काम करते हैं, अंदर जाके मैं सारी बातें करूंगा, तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला दी रहना, चलो सब ठीक हो जाएगा। तुम संभालोगे ना? हाँ बाबा संभालूंगा, आओ चलो चलो। आंटी ये बहुत बड़े क्लाइंट हैं, और फिर मालिनी अकेली थोड़ी जा रही है, पूरी टीम साथ जा रही है। हाँ माँ। अम्मा प्लीज, सिर्फ दो ही दिनों की तो बात है, प्लीज। अच्छा आंटी ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पे मेरा मोबाइल नंबर है, रोमिंग है, तो आपको मालिनी से जब भी बात करनी हो इस पर फोन कर दीजिएगा। ठीक है बेटी, चले, चले? संभाल के दादी। हाँ दादी, आप बिल्कुल रोएंगी नहीं मेरे जाने के बाद, प्रॉमिस? हाँ, और दो दिन की जो कहानी बची है ना वो मैं आने के बाद आपको सुनाऊंगी, प्रॉमिस। इस बार आपको बिल्कुल धोखा नहीं दूंगी, आई वोंट डिच यू। ओके टेक केयर दादी, बाय बाय। नहीं नहीं रोना नहीं दादी, बिल्कुल प्लीज बाय। वो कह रही थी कि वो मर गया। Don't you think it's strange? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? वो क्या है वहाँ पर? वो एक पुराना घर है, कोई नहीं रहता है। हम बचपन में उसे भूत बंगला कहा करते थे। आओ ना। शीला, मुझे नहीं लगता कि ये बंगला खाली है। अभी मैंने देखा ना कि कोई था वहाँ पर। क्यों इमेजिनरी थी? नहीं यार सच में रियली, देखो ना मेरे ख्याल से कोई है वहां पर और जरूर हमें देख रहा है। रियली टायर्ड हूं हम भी, चलो ना रतन, एक दिन के लिए बहुत नहीं हुआ है क्या? चलो कम ऑन लेट्स गो। ओके रिक्शा लेंगे, चलो चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.